हाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्त है इन्जॉय कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ गई है अंतिम प्रहार की सीरीज आ गई है फर्स्ट सेम वालों का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था माफी चाहूँगा थोड़े लेट हो गए हैं मैं मान सकता हूँ अभी तक आप सब इसकी डिटेल वीडियोस देख चुके होंगे न्यूमरिकल्स की तैयारी चल रही होगी एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट का कि सर क्या थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे तो देखो uh, ये बिल्कुल कहना कि केवल थ्योरी के बल पर आप पास हो जाओगे बिल्कुल ही एक तरीके से बेमानी होगी और झूठ बात होगी क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा न्यूमेरिकल आपका ज़्यादा रोल में रहेगा हाँ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं अल्टरनेटिव में अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स भी देखेंगे तो और हो सकता है इस बार भी 50% परसेंट न्यूमरिकल फिफ्टी परसेंट थ्योरी रहे लेकिन एक बेसिकली गैम्बलिंग रहेगी जिसको मैं प्रमोट नहीं करता क्योंकि आपके काफ़ी सारे सीनियर्स जो हैं उनकी बैक आई हुई है और वो मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे और उनके लिए मेरे को उनसे अगर आप पूछोगे तो सब सा सेम आंसर रहेगा कि सर न्यूमरिकल की तैयारी नहीं करी थी तो ये अंतिम प्रहार की सीरीज़ में इस बार मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ क्या स्पेशल करने वाला हूँ इस बार मैं न्यूमरिकल के आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि भले आज भी तक आपने एक भी न्यूमरिकल नहीं देखा होगा भले आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता होगा लेकिन मैं जो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर वो इस तरीके के देने वाला हूँ कि थ्योरी भी आपके कवर अप होगी और न्यूमरिकल भी कवर अप होंगे न्यूमरिकल के एंड सोल्यूशन तक नहीं पहुँचाऊँगा मैं यहाँ पर जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो उतने लेवल तक होगी कि वो न्यूमरिकल अगर पूरा दस नंबर का आता है तो हम फिफ्टी उस न्यूमरिकल के अंदर ले आएंगे ताकि जो थ्योरी है उससे हमारा ये मतलब एज अ जिनको भी लगता है कि हमको बैक आ जाएगी या जो बैक के लिए पेपर देख रहे हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है पूरी रात अभी अपनी शुरू हुई है और पूरी कोशिश रहेगी कि 14 के 14 क्वेश्चन जल्द से जल्द आप तक पहुंचाए जाएं पूरे 14 क्वेश्चन की ये सीरीज रहने वाली है पहली बात तो ये है ना दूसरी बात अब आप आपको घबराना नहीं है अब आप आपको परेशान नहीं होना है देखो न्यूमरिकल का मैंने बोल रहा हूँ तो ऐसा भी हो कल थ्योरी का पेपर आए या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल का ही पेपर आए केवल ए के टी यू जानता है और भगवान जानता है क्योंकि ए के टी यू ने कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा कि भले अकाउंट्स का पेपर हो स्टेटिक्स का पेपर हो कि 100 परसेंट थ्योरी आएगी या क्या रेशों के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल रखते हैं ऐसा कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी ने इवन डिफाइंड नहीं कर रखा एवं ए के टी यू की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी ने तो अपन को न्यूमेरिकल तैयार करने होंगे करने होंगे करने होंगे ये मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ यदि आप सोच रहे हो कि केवल थ्योरी करके चला जाऊँगा तो हो सकेगा कि अगली बार फिर आना पड़ेगा आपको तो कोशिश कीजिए कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे अपने करते जाएंगे तो अपने को न्यूमरिकल भी बन जाएगा नहीं बनेगा तो 50 परसेंट बनेगा वो एग्जामिनर 50 परसेंट नंबर देगा तो घबराने की बात नहीं है और जिनको पूरा न्यूमरिकल आ रहे हैं वो भी ये मैं सोचना केवल न्यूमरिकल सारे थोड़ी थ्योरी के भी कंसेप्ट होने जरूरी है, है ना तभी इसमें अच्छा स्कोर करते हैं वैसे काफ़ी इजी सब्जेक्ट है जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की कॉमर्स है मतलब मैं ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ाता था, था कुछ समय पहले तक है ना तो ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट के लेवल तक की ही है ये और ये एम में सब्जेक्ट है तो कोई इसमें ज़्यादा सॉरी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है अब अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया देखो अकाउंट्स की अपन को पूरी बात करनी है

जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके यूज़ होने के कारण उस प्रोडक्ट में घिसावट आती है उसी घिसावट को डिप्रिसिएशन बोलते हैं यानी कि उसके वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आता है वो वैल्यू जो होती है वो डिप्रिसिएशन होती है डिप्रिसिएशन एज अकाउंटिंग मेथड टू अलोकेट द कॉस्ट टेंजिबल एसेट्स ओवर द यूज़फुल लाइफ अब वो उसकी यूजफुल लाइफ में जितने जितने साल उसकी घिसावट हो रही है उतनी टाइम होगा इसके दो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिडक्टिव बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग रेट मेथड डिमिनिशिंग मेथड डिडक्टिव बैलेंस भी बोलते हैं और डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं अब ये दो मेथड है इसको यहीं पे समझा देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है सर और डिमिनिशिंग मेथड क्या होता है दोनों ही मेथड हैं दोनों का यूज क्या है दोनों समझा देता हूँ थ्योरी तो आप समझ जाओगे जब तक इसका न्यूमेरिकल नहीं समझोगे अब देखिएगा सिंपल से मैं कहता हूँ कि एक लाख की मशीन है है ना बड़े आराम से समझिए क्योंकि भले समय कम है लेकिन टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही बताएंगे एक लाख की कोई मशीन है है ना अब मान लेते हैं डेप्रिसिएशन की रेट टेन परसेंट है कितने परसेंट है टेन परसेंट है इतनी बात समझ में आ गई तो सर ये रेट कौन डिसाइड करेगा हमेशा एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई आएगी रेट कि टेन परसेंट रेट इतनी बात समझ में आए वैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि इलेक्ट्रिक सिटी पे थर्टी थ्री परसेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे फर्नीचर पे टेन परसेंट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता लेकिन इतना डिप में भी नहीं जाना एक लाख रुपए की कोई मैंने मशीन परचेस करी है उस पर डेप्रिसिएशन की रेट है दस परसेंट यानी कि फर्स्ट ईयर में डिप्रीशिएशन इस पर लगेगा दस हज़ार रुपये तो मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी नब्बे हजार कोई निकालने में दिक्कत आई सेकेंड ईयर में उसके ऊपर फिर से डिप्रीशिएशन कितना लगेगा दस हज़ार रुपये तो उस मशीन की वैल्यू हो जाएगी अस्सी हज़ार रुपये ठीक है अगर अगर मैं आप सबसे पूछता हूँ कि थर्ड ईयर में मशीन की वैल्यू क्या होगी तो आप सभी कह दोगे कि सर यहाँ पर डिप्रिसिएशन वापस से दस हजार रुपये लग जाएगा क्योंकि इसके मूल्य में कमी आ रही है मशीन यूज़ हो रही है तो थर्ड ईयर वापस से मशीन की वैल्यू हो जाएगी सत्तर हजार रुपये इसको बोलते हैं एस एल एम मैथड स्ट्रेट लाइन या सिंगल लाइन मेथड दो नाम है एस एल एम मैथड स्ट्रेट लाइन या सिंगल लाइन मेथड जब एक बार डिप्रिशिएशन की वैल्यू काउंट हो जाती है वही वैल्यू आगे निकलती जाती है अब क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या होगा कि आपको सत्तर हजार रुपए वैल्यू दे देगा कि आफ्टर थ्री इयर्स मशीन वर्थ इज सेवेंटी थाउजेंड एंड देयर स्क्रैप वैल्यू इज टेन थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू या सेवेज वैल्यू बोल देगा टेन थाउजेंड यानी कि तीन साल मशीन चलने के बाद उसकी सेवेज वैल्यू डायरेक्ट सेवेज वैल्यू बोलेगा दस हजार रुपए कितनी बोलेगा दस हजार रुपये तीन साल मशीन चलने के बाद उसकी वैल्यू दस हजार रुपए थी मशीन एक लाख में खरीदी गई थी क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा देखिए जरा मशीन एक लाख में खरीदी गई और तीन साल बाद उसकी वैल्यू दस हजार रुपये रह गई तो बताइए डेप्रीशिएशन कितना लगा तो नब्बे हजार टोटल उसका डिक्रीमेंट हुआ है नब्बे हज़ार डिवाइड बाय तीन करोगे क्योंकि तीन साल मशीन चली है तो कितना आएगा तीस हज़ार रुपये आएगा और तीस हजार एक लाख का कितना परसेंट होता है थर्टी परसेंट होता है तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया थर्टी परसेंट आया फिर से समझाता हूँ एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक मशीन जो एक लाख में खरीदी थी उसका स्क्रैप वैल्यू या सेवेज वैल्यू दस हजार रुपए बची आफ्टर द थ्री इयर्स कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिजेशन एक क्वेश्चन ये बनेगा ये क्वेश्चन केवल और केवल एस एल एम मेथड में ही वैलिड होता है जब आपको स्क्रेप या सेवेज वैल्यू होती है डीबीएम मेथड में नहीं मिलता है तो एक लाख की मशीन दस हजार बची तीन साल के बाद तो टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ नब्बे हजार का हुआ एक लाख माइनस दस हजार तो नब्बे हजार रुपये टोटल डिप्रिशिएशन लगा तीन साल का कैलकुलेट करना है तो नाइन्टी थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री तो थर्टी थाउजेंड हो गया मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी माइंड में ये थॉट करो नाइन्टी थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री तो कितना आया वन ईयर का थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वन लेख का कितना परसेंटेज 30% यानी हर साल उस मशीन पे 30% डिक्रीमेंट हो जाता है डेप्रिसिएशन लग जाता है मशीन की वैल्यू कम हो जाती है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% ये हमारा पूरा 10 नंबर का सवाल हो गया केवल आपने वर्बली करा एसएलएम मेथड में ऐसा सवाल देखने को मिलता है बात समझ में आई अब सेकंड मेथड है हमारा सेकंड मेथड है डीबीएम मेथड कौन सा मेथड है डीबीएम मेथड इसको थोड़ा सा इधर साइड में खिसकाते हैं अपन हम्म डीबीएम मेथड डीबीएम मेथड में क्या होता है डिडक्टिव बैलेंस मेथड या डिमिशिंग बैलेंस मेथड डिमिनिशिंग मेथड इसको क्या बोलते हैं इसके अंदर यह होता है कि जो भी रेट है मान लेते हैं दस परसेंट रेट है और मशीन की वैल्यू है एक लाख ठीक है एक लाख की मशीन खरीदी और डिप्रीशिएशन का रेट दस परसेंट है तो देखिएगा डिडक्टिव बैलेंस में हम क्या करते हैं एक लाख रुपए लगाए फर्स्ट ईयर तो डिमिनिशिंग रेट बोलेगा एस सेम होता है टेन थाउजेंड रुपीज डेप्रीशन लगा मशीन की वैल्यू हो गई नाइन्टी थाउजेंड अब सेकेंड ईयर जब वैल्यू काउंट होगी तो इसका टेन परसेंट कैलकुलेट होगा तो यहां पर कैलकुलेट हुआ नाइन थाउजेंड तो मशीन की वैल्यू कितनी आई मशीन की वैल्यू आई नाइन थाउजेंड माइनस हो गया 81000 वन थाउजेंड मशीन की वैल्यू आई और अगर थर्ड ईयर काउंट करूंगा तो थर्ड ईयर इस एटी वन थाउजेंड का टेन परसेंट होगा एट थाउजेंड वन हंड्रेड यहां पर लिखोगे नाइन हंड्रेड ठीक है समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं ये आपके लिए छोड़ देते हैं चलो एटी वन थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड वन हंड्रेड कितना हुआ जरा मुझे कमेंट में बताइएगा है ना ये इसमें से ये माइनस होगा कमेंट करके बताइएगा अगर अभी तक आप एक्टिव हो तो यकीन मानिए कल डेप्रीशन का सवाल आपका हंड्रेड परसेंट सही होगा क्योंकि दो मेथड है अब दोनों को एक साथ कंपेयर करके बता देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अब दोनों को एक साथ कंपेयर करता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं एस एल एम यहां पर मैं लिख देता हूं डी बी एम मशीन खरीदी है इस बार दो लाख रुपए की और रेट ऑफ परसेंटेज है टेन परसेंट ठीक है यहां भी मशीन खरीदी है दो लाख रुपए की ठीक है और रेट ऑफ परसेंटेज कितना है टेन परसेंट ही है ठीक है तो दो लाख का फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रीशिएशन आएगा बीस हजार भले वो स्ट्रेट लाइन हो या डिडक्टिव बैलेंस हो या डिमिंशिंग बैलेंस मेथड हो यहां भी बीस हजार आएगा कितना बनेगा एक लाख अस्सी हजार बनेगा दोनों में यहां भी एक लाख अस्सी हजार बनेगा बट सेकेंड ईयर में फर्क हो जाएगा एस एल एम में सेम ट्वेंटी थाउजेंड रहेगा और यहाँ पर आएगा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज मशीन की वैल्यू और यहाँ पर एक लाख अस्सी हजार का ट्वेंटी परसेंट बनेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी फिफ्टी में से सिक्स गए वन फोर्टी फोर ठीक है वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एक जगह वैल्यू आ रही है और एक जगह वन लैख सिक्सटी थाउजेंड आ रही है अच्छे से कैलकुलेट कर लो है ना छः में से चार हाँ सही है क्लियर है तो ये आपको याद रखना है समझ में आ गया ना तो दो मेथड हैं दोनों के इंपॉर्टेंस का स्ट्रेट लाइन मेथड हमेशा कोयले की खदान होती है माइंस होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है और डिडक्टिव बैलेंस मेथड अदर जगह यूज़ किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड तब यूज़ किया जाता है जब मशीन की स्क्रैप वैल्यू या सेवेज वैल्यू पता होती है हमको जब डिडक्टिव बैलेंस मेथड तब पता करना होता है यूज़ किया जाता है तब एक्चुअल रेट ऑफ डिप्रेसिएशन नोन होती है यहाँ पर एक्चुअल रेट ऑफ डिप्रिसन सही से नोन नहीं होती है। ठीक है बस यही इसका मेजर डिफरेंस है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगना है तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जय हिंद